लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आलयां पद्मकरां पद्मपत्र निभेक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहं पद्मानया। आज से करोड़ों साल पहले हमारी ये दुनिया आग का गोला थी। वक्त चला गया, बादलों से बारिश होती रही, इस आग के गोले को ठंडा कर दिया। ये जमीन बसने लगी, इस पर जानदार पैदा हुए, जानदारों में इंसान पैदा हुए। इंसान ने जमीन के टुकड़े टुकड़े करके बांट लिए, उस पर हुकूमतें जमा लीं, अलग अलग मुल्क बन गए, अलग अलग रियासतें बन गई। हुकूमत करने वाले बादशाहों, शहनशाहों और राजाओं के सर गरूर से आसमान को छूने लगे और उनके कदम गरीबों को कुचलने लगे। ये दुनिया दो किस्म के इंसानों में बट गई, एक वो जो राज करते थे, दूसरे वो जिन पर राज किया जाता था, यानी राजा और प्रजा। ये उस कल्पित देश फर्जी मुल्क की एक फर्जी रियासत है जिसका नाम बगलपुर है। बगलपुर का ये कैपिटल, ये राजधानी रिक्शापुर है। इस राष्ट्र ने अपनी आजादी के 100 महीने पूरे कर लिए हैं और उसी खुशी में सारे राष्ट्र को चिरागों से सजाया गया है, दिल के अंधेरों को चिरागों की रोशनी में छुपाने के लिए। जनता पर हुकूमत करने के लिए सरकारें बनाई गई और हर सरकार में कई मंत्री होते थे। उसके बाद जब राजाओं और बादशाहों का दौर खत्म हुआ तो स्वराज्य का दौर आया, यानी आज का दौर जिसमें हम रहते हैं। स्वराज्य की सरकार जनता की सरकार है, जो जनता बनाती है और जनता के लिए ही बनी है। हमारी ये कहानी एक कल्पित देश की है, फर्जी देश की है, जो इस दुनिया के किसी कोने में नहीं है। हमने इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा है। ये एक फर्जी देश है, इमेजिनरी मुल्क। यहाँ पर भी स्वराज है। हमारी कल्पित कहानी का ये कल्पित हीरो नायक सुशील कुमार, बहादुर, निडर, देश की आन पर मर मिटने वाला ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, और ये CBI ऑफिसर श्री संग्राम सिंह, ये मिस्टर पापैयालाल है, इस राष्ट्र के मिनिस्टर, ये राष्ट्र के सेक्रेटरी मिस्टर मदन है, और ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शंकर कुमार, ये इंस्पेक्टर सुशील कुमार की धर्मपत्नी सुनीता है, और ये सुशील कुमार की माँ कामिनी देवी। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पर इस मुल्क को नाज, और हम उम्मीद करते कि तुम इसी तरह ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाते हुए अपना नाम रोशन करोगे, मुल्क का नाम रोशन करो। सर, मैं वादा करता हूं कि जिंदगी को ठुकरा कर कफन पहनूंगा, मगर इस वर्दी की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू सर। सुशील, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहादुरी का मेडल क्या मिला? नजरें भी नहीं मिला रहे। सुनीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये पुरस्कार मुझे नहीं, इस माँ के बेटे को मिला है।
कुलवंत। यस सर। जल्दी आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी। आई बी राइट। यस सर। कम कुलवंत। इसे जानते हो? यस सर। इसे कौन नहीं जानता। यह मशहूर मुजरिम कन्वर लाल है, जो कई साल से पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ था, अब जेल में है। हाँ, अब तुम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि इस मुजरिम कन्वरलाल के दाढ़ी ना हो, ये हुलिया ना हो, तो इसकी शक्ल किससे मिलेगी? हाँ, ये तो मेरे दोस्त सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार की तरह दिखता है, बिल्कुल सुशील कुमार की तरह। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुलवंत, हम कल सुबह सुशील कुमार से मिलना चाहते हैं। ये लो। अरे कब तक इन मूर्तियों पे नारियल चढ़ाती रहोगी? तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो मुझसे बोलो, मुझसे। ये हम का वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? भगवान का मजाक मत करो। ठीक है, तुम्हारे भगवान का मजाक नहीं करता, लेकिन अपनी बीवी से तो प्यार कर सकता हूँ। अरे कोई देख लेगा। देख लेगा तो क्या है, साथ फेरे लेके डोली में बिठा के शादी करके लाया हूँ। भगा कर नहीं लाया? नहीं ना। अच्छा बाबा, यानी तो ना सी मोटरसाइकिल में बिठाता हूँ, घर ले चलता हूँ, वहाँ दिल की बात करेंगे। सुनो। वो ओहो, इसलिए मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे मंदिर भेज देती हैं और खुद काम में लग जाती हैं। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अरे शरीर का आराम भी कोई आराम होता है? मेरे मन को आराम दे दे, फिर तेरी कसम मैं काम नहीं करूंगी, कभी काम नहीं करूंगी। अच्छा बोलिए, क्या काम करूं आपके लिए? मुझे एक पोता दे दे, मैं दिन भर उससे खेला करूंगी, फिर तुम लोग कहोगे तो भी मैं घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा भगवान ने आपकी सुन ली है, आपका खिलौना आपको जल्द ही मिल जाएगा। मेरी गोद में तेरा बच्चा खेलेगा, मेरी जिंदगी के अरमान पूरे हो गए, मेरी जिंदगी के अरमान पूरे हो गए। ले मुंह खोल, मुंह खोल ना। तूने इस बुढ़िया की जिंदगी का चिराग बुझने से पहले इस घर का चिराग दे दिया। अच्छा सुन, सुशील को मालूम है कि वो बाप बनने वाला है? नहीं तो ठहर, मैं उसे बताती हूँ, मैं बताती हूँ। अरे सुन तो, अरे बेटा सुशील, सुशील, सुशील। क्या बात है माँ? मुंह खोल। मुंह खोलूं क्यों? अरे मुंह खोल ना। उफ़ माँ, क्या सस्पेंस मार रही हो, लो मुंह खोला। निश्री? हाँ। लेकिन किस लिए? भगवान ने मेरी सुन ली है। कोई टेलीग्राम आया क्या? हाँ हाँ वही आया है। कहाँ है? सुनीता के पास। मैं दादी बनने वाली हूँ। दादी? दादी बनने वाली? इसमें मिश्री बात नहीं, क्या बात हुआ? तुझे पुलिस ऑफिसर किसने बनाया रे? अरे बुद्धू, तू बाप बनने वाला है। बाप बनने वाला तो मैं भी आया। सुनीता, सुनीता, सुनीता दरवाजा खोल, मैं तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ। तुझे मालूम है मैं दादी बनने वाला हूँ, मेरा मतलब है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। सुनीता, हाँ
सोच रही हो? कुछ सोच रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ लड़का हो, सोच रहा हूँ लड़का हो, मैं नाम रखूंगा संजू। सोच रही हूँ लड़की हो, मैं नाम रखूंगी मंजू। हाँ लड़का होगा, देखो जी लड़की होगी, देखो जी लड़का ही होगा। लड़का हो, मैं नाम रखूंगा संजू। लड़की होगी, हाँ हाँ लड़का होगा, ना जी लड़की होगी, हाँ जी लड़का ही होगा। खुद वो सोती है। मैं मुन्ने के साथ जगूंगी, तुम चुप से सो जाना। रोज अकेला सोया तो हो जाऊंगा दीवाना। पहले लड़का होगा, पहले लड़की होगी, नहीं जी लड़का होगा, नहीं जी लड़की होगी। सुशील कुमार, हम तुम्हें एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम सौंपना चाहते हैं। अगर तुमने इस काम में कामयाबी हासिल कर ली तो तुम इस डिपार्टमेंट को, इस देश को, इस देश के रहने वालों को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लोगे।
मैं तैयार हूं सर, आप हुक्म दीजिए। सुशील, इस देश में एक बहुत ही खतरनाक गैंग है, उनके रैकेट है नकली नोट छापना, सोना चांदी हीरे जवाहरात मूर्तियां स्मगल करना और जवान लड़कियों को बाहर के देशों में अय्याशी के लिए बेचना। ये गैंग और उसका जुर्म हमारे देश के शरीर में कैंसर की तरह फैलता चला जा रहा है और यह हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे पास उनके खिलाफ सबूत होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जब सबूत हैं तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया जाता? सुशील, परछाई पर लाठी मारने से शरीर जख्मी नहीं होता। ये लोग जिनके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, ये मामूली लोग हैं, कठपुतलियां हैं। हमें वो उंगलियां काटनी हैं, वो हाथ पकड़ने हैं जो इन कठपुतलियों को नचा रहे हैं, और वो हाथ बड़े लोगों के हाथ हैं। आई सी। देखो सुशील, मैंने एक स्कीम बनाई है, अगर उस स्कीम पर अमल हो गया तो मेरा पूरा विश्वास है कि उन बड़े हाथों में बड़ी आसानी से हथकड़ियां लग जाएंगी। आप हुक्म दीजिए, मैं उस स्कीम को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। सुशील, कन्वरलाल नाम का एक खतरनाक मुजरिम इस वक्त जेल में सजा काट रहा है। वो बहुत ही सख्त इंसान है, बल्कि इंसान ही नहीं, एक वैशी दरिंदा है, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। मेरा अंदाजा है कि इस आदमी का उस गैंग से जरूर कोई ना कोई संबंध है। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कन्वरलाल अपनी जबान खोल दी, सख्त से सख्त सजा दी, लेकिन कन्वरलाल ने जबान नहीं खोली। इस मायूसी के अंधेरे में मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई है, और वो ये कि तुम्हारी शक्ल कन्वरलाल से हूबहू मिलती है। जी हाँ, अगर तुम उसके जैसा हलिया बना लो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कन्वरलाल कौन है और सुशील कुमार कौन। हाँ, टेरिफिक आइडिया। मतलब ये कि मुझे उसका हुलिया बनाकर उसकी बोल चाल आवाज सबकी नकल करके जेल तोड़कर भागना होगा और जाकर उस गैंग में मिलना होगा और वहां मिलने वाले तमाम सबूत आप तक पहुंचाने होंगे। एग्जैक्टली, कर सकोगे? मेरी माँ की बड़ी तमन्ना थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। मैंने उस माँ की तमन्ना तो पूरी कर दी, लेकिन एक माँ और भी तो है, ये धरती माँ। अब उसकी तमन्ना है कि उसके सीने पे जो पाप और जुर्म हो रहा है मैं उसे खत्म करूं। तो ये बेटा कैसे इनकार कर सकता है? वाह वाह, दांत है इस डिपार्टमेंट को, इस देश को, उस माँ पर जिसने तुम्हारे जैसा बेटा पैदा किया। सुशील, आज से शुरू होता है ऑपरेशन एंड, यानी अंतिम कार्रवाई। यह है तुम्हारा हमशक्ल कन्वरलाल, यह है हरकतलाल, इसका एक क्लब। जेल जाने से पहले कन्वरलाल अक्सर इसे मिला करता था। इसका नाम दाऊद है। कन्वरलाल का इसके यहां बहुत आना जाना रहता था। इसका नाम रॉनी है, होटल टेल टॉप का करता धरता। एनी क्वेश्चंस सर? इससे पहले कि मैं ऑपरेशन एंड यानी अंतिम कार्यवाही शुरू करूं, मैं जेल जाकर कन्वरलाल से मिलना चाहता हूं। ओके कुलवंत। यस सर। तुम सुशील को सेंट्रल जेल ले जाओ, मैं जेल खन्ना को फोन कर देता हूं। ओके सर। ओके सर, ऑल द बेस्ट। सुशील यार, तू एक बार फिर सोच ले, इस खतरनाक काम के लिए हां कहकर बेकार में तूने अपनी मौत को दावत दी है। भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो गया तो ये भी सोचा है तेरी मां का क्या होगा, भाभी का क्या होगा? अरे क्या होगा, मेरा भाई जैसा दोस्त है ना कुलवंत, मां को वो देखेगा, भाभी को वो संभालेगा। यार तू देख, फिजूल की जिद मत कर। मैं जिद नहीं कर रहा हूं कुलवंत, मेरा एक सपना है, उसे मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बहन के इंतकाम का सपना। बहन? हाँ कुलवंत, मेरी एक बहन है, एक ऐसी बहन जिसकी एक मुस्कुराहट पर मैं दुनिया के सारे दुख भूल जाया करता। भैया भैया भैया, देखो मैं कुमार को लेकर आई हूँ तुमसे मिलवाने के लिए। कुमार, ये है मेरे भैया सुशील। हेलो। शोभा। कुमार, और ये है मेरी माता जी। नमस्ते माता जी। जीते रहो बेटे। बैठो ना भैया। क्यों भैया, जो मैंने कहा था ठीक है ना? कैसी लगी मेरी पसंद? लेकिन शोभा, सब कुछ देखना होगा ना कि लड़के के माँ बाप क्या करते हैं, इसका खानदान कैसा है। बहुत बड़ा खानदान है, बाप बहुत बड़ा सोने का व्यापारी है, मैंने सब कुछ देख लिया है भैया, आखिर मैं आपकी बहन हूं ना। मिस्टर कुमार जी, इससे पहले कि हम आप दोनों की शादी पक्की करें,
मैं आपके माता पिता से मिलना चाहूंगा। सुशील बेटे, आज इतने दिन हो गए, शोभा की कोई खबर ही नहीं आई। अरे माँ तू फिक्र मत कर, मैं मिठाई लेकर उसके यहाँ जा रहा हूँ। ढेर सारे पटाखे मैंने यहाँ लाकर रख दिए हैं, उसे लेकर आऊंगा, फिर धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। हाँ बेटे, जब से वो कही है इस घर की रौनक ही चली गई। अरे माँ अभी लेकर आया उसे। कौन? क्यों भाई कौन चाहिए? यहां मिस्टर कुमार रहते हैं, आप बता सकते हैं वो कहां गए हैं? आपको नहीं मालूम? ये बदमाश देश के बाहर चले गए हैं। सुना है मोहल्ले की मासूम लड़कियों को बहका के दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। मोहल्ले की 3 लड़कियां भी गायब हैं, पुलिस उनकी खोज में पड़ी है, देखिए क्या होता है। बाद में मुझे पता चला कि वो शादी एक धोखा थी। उस लड़के ने, उसके माँ बाप ने मेरी बहन को एक गैंग के हाथों बेच दिया, जो लड़कियों को अमीर और रईस लोगों की अय्याशी का सामान बनाते। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं पुलिस ज्वाइन करके अपनी बहन को उस गैंग से छुड़ाऊंगा। आज वो मौका मेरे हाथ आ गया कुलवंत। पहले तो मैंने तुम्हें मना किया था सुशील, लेकिन अब मैं खुद तुमसे कह रहा हूं, यह मौका हाथ से मत जाने देना। उन शैतानों को तलाश करना, हमारी बहन और उस जैसी हजारों बहनों का बदला जरूर लेना, जरूर लेना सुशील, उन्हें मत छोड़ना। यस सर। बहादुर, ये इंस्पेक्टर सुशील कुमार है। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें ले जाओ, कन्वर लाल से मिलाओ। कन्वर लाल, आपको इस काम के लिए मैं ही मिला था। अरे साहब, उसके सेल के बाहर से गुजर जाता हूँ तो सारे शरीर में कपकपी छूट जाती है, आप मुझे उसके सेल के अंदर जाने को कह रहे हैं? बहादुर। अरे काहे का बहादुर साहब, गलती से मेरे माँ बाप ने बहादुर नाम रख दिया, जिसका ये नतीजा है। बहादुर बंद करो और ले जाओ ने। क्या मुसीबत है, चलो साहब। अब कोई जबरदस्ती भूखे पागल शेर के पिंजरे में घुसना चाहता है तो अपने बाप का क्या जाता है? घुसो, कच्चा चबा जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, नोच खाएगा। एक सवाल पूछना है। सर अपन को एक बीड़ी दो ना। अबे चुप रह, बीड़ी का बच्चा साए। सर आपके घर में कौन कौन है? माँ है, बीवी है। क्यों? नहीं ऐसे ही, उनके नाम पर बैंक में कुछ रुपया पैसा जमा करा दिया है ना। क्यों? अरे एक बार आप अंदर जाओगे तो जिंदा वापस थोड़े आओगे, देख लीजिए। आए, मैंने तो सिर्फ उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर बड़ी शराफत से मुस्कुराकर इतना ही कहा था, गुड मॉर्निंग कंवर साहब। उस हरामजादे कंवर लाल के बच्चे ने मार मार कर मेरे मुंह का आधा चमड़ा गायब कर दिया। आप हंस रहे हो? हंसो हंसो, जिंदगी में आखिरी बार हंस लेना चाहिए, आत्मा सुखी रहती है। आइए इधर आइए। सर वन मिनट, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? खामोश, खोलो। खोलता हूँ, मगर जाते जाते इतना तो बताते जाइए कि मरने के बाद आपकी लाश, आपकी डेड बॉडी को आपके घर पहुंचा दे या सीधा शमशान घाट ले जाए। शट अप, ओपन द डोर। आई विल। ओ माँ भवानी, खोलता हूँ। अजीब मुसीबत है। लास्ट वन मिनट, ये रख लीजिए। क्या? ये पट्टियां मेरी तरफ से आखिरी भेंट, अंदर काम आएंगी, रख लीजिए। इडियट। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग कन्वर। कन्वर लाल बोलो। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग कन्वर लाल। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कई अखबारों में लिखता हूँ। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि पुलिस या कैदियों के साथ
इंसानों जैसा सलूक करती है या नहीं, और अगर नहीं करती तो हमें पुलिस के जुल्म के खिलाफ सारे देश में आवाज उठाएं। आवाज नीची कर कुत्ते, पुलिस वालों का ये नाटक मैं बहुत देख चुका हूँ। तुम्हारा ये ढोंग दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, कन्वर लाल को नहीं। कन्वर लाल पुलिस को सुनकर पहचान जाता है, उनमें से घिनावनी बू आती है जो इस वक्त तुम में से आ रही है। नाटक मत करो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो फाड़ कर रख दूंगा। बहुत खूब कन्वर लाल, मान गए, तुम बहादुरी नहीं अकलमंद भी हो। मैं सचमुच एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मेरा नाम इंस्पेक्टर सुशील कुमार है। सिगरेट? ओके बहादुर, बहादुर अंदर आओ। मैंने कहा अंदर आओ। इसकी हथकड़ी खोल दो। मैंने कहा इसकी हथकड़ी खोल दो। क्या कह रहे साहब, ये लगी है तो ये हाल है, खोल दे तो ये पत्थर की दीवारों को दांतों से चबाकर निकल भागेगा। तुम इसकी हथकड़ियां खोलते हो या नहीं? मुझे तो घबराहट का करंट लग रहा है। इस आदमी को पहचानते हो कन्वर लाल? ये सिगरेट का टुकड़ा देकर मेरी जबान खरीद रहे हो तुम? नहीं कन्वर लाल, मैं तो पूछने आया हूं। दाऊद को तो तुम जानते ही हो। अभी तो तुम बच्चे हो, तुमसे पहले एक से एक घाघ इंस्पेक्टर आए कन्वर लाल की जुबान से आ निकलवाने के लिए। जितना जुल्म कर सकते थे किया उन्होंने, जुल्म करते गए करते गए, आखिर थक गए। लेकिन कन्वर लाल ने आ नहीं की बल्कि हर चोट पर वाह कहता गया, हर सवाल का उसने एक ही जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। और तुम हमदर्दी और प्यार का मस्का लगाकर मुझसे पूछने आए हो? नहीं कन्वर लाल, मैं पूछने नहीं बल्कि ये बताने आया हूं। सुना है तुम्हारे और दाऊद के बहुत अच्छे तालुकात, शायद उनकी मौत की खबर सुनकर तुम्हें दुख होगा, नहीं? दाऊद, दाऊद चाचा मर गए? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो कुत्ते। नहीं कन्वर लाल, ये सच है कि दाऊद मेरे ही हाथों मारा गया। तूने मेरे चाचा, मेरे बाप को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उठ उठ कुत्ते। कुत्ते, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। हाँ,
क्या चाहत रहा? अरे ये तो उल्टा ही मार रहा है, है? अरे कन्वर लाल की पिटाई, उठ उठ कन्वर लाल कुत्ते, उठ। बहुत बहुत शुक्रिया कन्वर लाल, मैंने अपनी जुबान बंद रखी मगर तुम्हारे दिल ने तुम्हारी जुबान खोली। मुझे तो सिर्फ यह मालूम करना था कि दाऊद के साथ तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं, सो तुमने खुद बता दिया। वैसे तुम्हारे दाऊद चाचा मरे नहीं, जिंदा हैं। कमीने कुत्ते तू। सुशील जी, ये लो तुम्हारे लंदन का टिकट। लंदन? हाँ, तुम लंदन जा रहे हो। किस लिए? दुनिया को दिखाने के लिए। सब लोग यही समझेंगे कि तुम लंदन चले गए, यहां तक कि हमारे डिपार्टमेंट को भी पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए ना? जी समझ गया, मैं लंदन जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुनो। क्या सुनना, ये अच्छी नौकरी है, यहाँ रहते हुए तुम्हारी सूरत बड़ी मुश्किल से नजर आती है। लंदन चले गए तो बस महीनों की छुट्टी हो जाएगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं बाबा, थोड़े दिनों की तो बात है, और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ तुम्हारे पति को इतने बड़े काम के लिए चुना गया है ना, खुशी की बात। ए, ये क्या कमाल है, मैं इतनी दूर जा रहा हूं, कहते हैं पति को हंस के विदा करना चाहिए, और तुम इतना लंबा मुंह निकालकर इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रही हो। ए, ए, हसो ना, हसो ना। हाँ, that's like a good girl। मुझे भी साथ ले चलो। हैं? कहाँ साथ ले चलूं? मैं दिन रात मुजरिमों के पीछे पीछे भागता रहूंगा, तुम क्या मेरे पीछे भागोगी? हाँ एक बात और, उस दिन हम लोग जिद कर रहे थे ना, मैं कह रहा था लड़का होगा, तुम कह रही थी लड़की होगी, चलो मैं हारा और तुम जीती, लड़की ही होगी, लेकिन एक शर्त है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। हाँ? ये खूबसूरत चेहरा, ये गोरा गोरा रंग, ये हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें। हाँ ऐसे, अगर तुम्हें किसी मशीन में डालकर छोटा बना दिया जाए ना, तुम भी बिल्कुल ऐसी ही लगोगी, और मुझे मुन्नी भी बिल्कुल सॉरी ऐसी ही चाहिए। जीते रहो। Your attention, please. मेरी दुआएं तेरे साथ है बेटे, मेरा रोम रोम ये प्रार्थना करता रहेगा कि तू कामयाब होकर लौट दे। दोस्त, अपनी माँ और बीवी को तुम्हारे सहारे छोड़े जा रहा हूँ, ध्यान रखना इनका। ये भी कोई कहने की बात है? गुड लक। अच्छा चलता हूँ। ये क्या सुनी तुम, फिर रो रही हो? सुशील, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। सुनीता बस, अब तुम कुछ दिनों के लिए सुशील को भूल जाओ, और सुशील की जो अमानत तुम्हारे पास है उसका ख्याल रखना, वापस आते ही मैं अपनी अमानत मांगूंगा। अब हंस तो, कम ऑन स्माइल। चलता हूं। लो ये खत, भाई वाले लंदन से मेरे घर भेजते रहना। ओके सर। Thank you.
शेर की खाल ओढ़ लेने से कुत्ता शेर नहीं हो जाता। इंस्पेक्टर, अगर तू सचमुच बहादुर है, तेरी माँ एक पवित्र औरत है, उसकी कोख से जन्म लेने वाला तू अगर एक ही बाप की औलाद है तो जा हलकट लाल के क्लब में और चिंगार कर बोल, हलकट लाल मैं कन्वर। कुत्ते कन्वर लाल बोल, कन्वर लाल। कन्वर, आज तूने मुझे बहुत बड़ी कसम दी है, मेरी माँ की पवित्रता की, एक ही बाप की औलाद होने की। तो आज मैं अपनी माँ की पवित्रता की कसम खाता हूं कि मुजरिमों की उस काली दुनिया में जाकर उन्हें खत्म करके अगर उनको कानून के हवाले न किया तो मैं भी एक पवित्र माँ की औलाद नहीं, एक बाप की औलाद नहीं। ले जाओ उसे। यस सर। चलो सर, दुआ कीजिए, पाप की जमीन पर लगा हुआ जुर्म का वो पेड़ जड़ से उखाड़कर बहुत जल्द आपके सामने पेश करूं। हम उस दिन का बहुत बेचैनी से इंतजार करेंगे सुशील। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, गुड लक सुशील। थैंक यू। बहादुर। यस सर। सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं आपको छोड़ देता मगर मेरा फर्ज है। अरे दूसरी पट्टी मत चढ़ाना, मेरी पहले की पट्टियाँ नहीं उतरी। अरे अंदर जा भाई। अरे क्या जोर लगाता भाई, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बाप मुझे माफ कर देना माँ। सर, कन्वरलाल भाग गया। क्या कहा? कन्वरलाल भाग गया, पकड़ो उसे। अरे कटलाल किधर है? कटलाल मुझे नहीं मालूम कहाँ है। ए, निकल जाओ यहां से। Thank you.
हलकट लाल कुत्ते कन्वर लाल बोल। हाँ कन्वर लाल ही भाई, लेकिन तेरी सजा पूरी होने में तो अभी 10 साल बाकी थे, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे कन्वर लाल मौत की दीवार तोड़कर भाग सकता है, तो जेल की दीवार क्या चीज है? और फिर मैं बहुत पुराना हिसाब वसूल करना था इसलिए आ गया। पता दाऊद चाचा आजकल मालूम नहीं, उस बूढ़े बेचारे के 20,000 रुपए मुझ पर निकलते हैं। उस 20,000 रुपयों को लेकर के मैं 50,000 जगहों पर मारा मारा फिरा, मगर उसका पता नहीं चला। हो सकता है उसका बेटा अच्छा हो गया हो और वो बुरे काम छोड़ करके अच्छा आदमी बन गया हो। साले हलकट, इस पाप की दुनिया में जो एक बार आता है वो यहाँ से सिर्फ दो जगह जाता है, या तो जेल जाता है या शमशान घाट जाता है। बिल्कुल चाचा किधर है समझ ले, वो चला दूसरी दुनिया में। बताता हूँ, बताता हूँ, वो 26 सूबेदार नगर 9th क्रॉस रोड पर एक पेंटिंग की दुकान है, वहीं बेचारे रहते हैं। हम कौन धोखेबाज? चाचा का पता मालूम है लेकिन चाचा के पैसे देने याद नहीं। मेरे बाप, तू 20,000 की जगह 30,000 रुपए ले ले, 10,000 ब्याज समझ कर रख ले, मगर तू मुझे बख्श दे मेरे बाप, मुझे। मैं कभी हराम खोरों की जिंदगी बख्शता नहीं और कभी किसी माई के लाल से बख्शीश लेता नहीं। तेरे 10,000 रुपए तेरे कफन के काम आएंगे, सिर्फ चाचा के 20,000 रुपए लेके जा रहा हूँ। और हाँ, अगर पुलिस को मेरे बारे में खबर दी मेरे हाथ में हथकड़ी पड़ने से पहले मैं तेरे गले में फांसी का फंदा डालकर तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा, समझा? गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। समझ गया। कन्वरलाल जेल से भाग गया, पुलिस को उसकी तलाश है। कन्वर, कन्वर बेटे। सलाम अलैकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। चाचा बेटा कैसा है? वैसे ही है बेटे। ये बता कन्वर, तू वारधा जेल की मजबूत दीवारों से कैसे निकल के भागा? आज तक जितने लोगों ने कोशिश की सब के सब मारे गए। अरे चाचा, जेल की दीवारें तो चूने मिट्टी और पत्थर की बनी होती है, तुम मुझे लोहे के संदूक में बंद कर दो, ऊपर से वेल्डिंग करा दो, इतना बड़ा ताला लगा दो, अगर निकल कर न दिखा दूं तो मेरा नाम भी कन्वर लाल नहीं। ठीक है बेटे, ठीक है। अब्दुल जी चाचा, जा होटल से खाना ले आ, बेचारा कन्वर ना जाने कब से भूखा होगा, ले पैसे। अरे ठहर, कहां से खाना लेने जा रहा है? हा? अपने नाके वाले होटल से। तेरे की, उस होटल का खाना कौन खाएगा? साला घी की जगह ग्रीस डालता है और तेल की जगह घासलेट। गरीबी होटल में जाना, मेरा नाम लेना और बोलना 4 प्लेट मटन कोफ्ता, 3 बिरयानी, 12 चपाती, घी मार के प्याज और नींबू साथ में लेकर आना। ये ले पैसे, फुट अभी आता हूँ। शाबाश चाचा, लो पकड़ो। कन्वर, तू इतने रुपए लाया कहां से? ये तुम्हारे रुपए हैं चाचा। मेरे? हाँ, जेल से भागा तो सीधे हलकट लाल के पास गया, उसका थोबड़ा लाल किया, तुम्हारा माल लिया और सीधे तुम्हारे पास चलाया। बड़ा कमीना आदमी है हलकट लाल, काम करा लेता और पैसे देता ही नहीं। कोई बात नहीं चाचा, अब तुम उसे देखोगे ना तो पहचानोगे नहीं, ऐसे सुलेमानी फटके मार कर आ रहा हूं कि जिंदगी भर याद रखेगा। जाने दे बेटा, तेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, अब तू किसी से मारा मारी मत किया कर। हाँ चाचा, ये भी ठीक है, पुलिस तो मेरे पीछे लगी है, अब तुम्हारे यहां रहूंगा तो भी तो लफड़ा है तुम्हारे लिए।
कहां रखूं तुम्हें? हां, एक जगह है वहां तुम्हें ले चलता हूं, वो आदमी अपने काम का है। ये मेरे सामने है लेकिन मेरी आंखों को विश्वास नहीं होता। जिस आदमी ने दिन दहाड़े सेंट्रल बैंक में घुसकर स्टेन गन से लोगों की लाशों के ढेर लगा दिए, बैंक लूट कर निकल गया, अगले दिन 24 घंटे के अंदर चार अफसरों को मारकर पूरी गवर्नमेंट को हिला दिया, जिस आदमी के पीछे सारे देश की पुलिस लगी हो, वो आदमी पुलिस के हाथों से बचकर निकल जाए तो कमाल है। कन्वर, कुत्ते! कन्वर लाल बोलो। कन्वर लाल ने तो सबसे पहला कमाल उस दिन किया था जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ था, समझे? लेकिन जेल की रोटी खाने के बाद कन्वर लाल उतना ही शेर दिल है कि नहीं, ये देखना है हमें। कन्वर लाल बुजदिलों के मोहल्ले से कभी नहीं गुजरता। अगर मेरी बहादुरी पर शक है तुम्हें तो मैं अभी चला जाता हूँ। डरो कन्वर लाल। अरे भाई, हम खुश हैं तुम आए हो हमारे पास हमसे मिलने के लिए, हमारे गैंग में शामिल होने के लिए। तुम काम के आदमी हो और काम हम तुम्हें कल बताएंगे। ए, चाबी हमें दो और तुम जाओ। ये सीआईडी इंस्पेक्टर सुंदर है, ये यहाँ हमारे राज मालूम करने आया था। इसके पहले दो और आए थे, उनका भी यही हशर कर दिया गया था। अब तुम्हें इसकी लाश ठिकाने लगानी है। लग जाएगा मगर 10,000 रुपए। मंजूर है? मंजूर नहीं, माल निकालो। ओके ओके, ये लो। और सुनो, काम हो जाने के बाद तुम मुझे होटल टिल टॉप में मिलना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। Okay. और देखो ये कार्ड लेते जाओ, इसको दिखाने के बाद तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ अंदर लाया जाएगा। ओके ओके, गुड लक। हेलो पुलिस स्टेशन, कन्वर लाल नाम का मशहूर मुजरिम जिसे सारे देश की पुलिस तलाश कर रही है, वो इस वक्त एक नीले रंग की इंपोर्टेड कार में जीबी रोड से गुजर रहा है और उस कार की डिक्की में इंस्पेक्टर सुंदर की लाश है। ओ, सवाल मत करो, जल्दी उसका पीछा करो। कार का नंबर है TMW 7560।
में आई हेल्प यू। बात करो कन्वरलाल। कन्वरलाल बदतमीजों से तमीज से बात नहीं करता। यू ब्लडी बास्टर्ड। थैंक यू। ओके कन्वरलाल, कम ऑन हैव ए ड्रिंक विद मी। क्या है आज विस्की है? कन्वरलाल ट्रिपल एक्स रम पीता है। जस्टिन, जिसकी जबान बहुत चल रही है, जिसका घमंड तोड़कर मेरे कदमों में डालो ताकि मेरे पैर पकड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगे। जिंदगी की भीख और तुमसे? अरे तुम तो खुद भिखारी हो, भिखारियों से कौन भीख मांगेगा? मेरा नाम टोपी वाला है, जानते हो क्यों? मैंने बहुत सारे घमंडियों के सर काटकर अपने कदमों में कुचले हैं और उनकी टोपियों को अपने पास तोहफे के तौर पर सजा के रखा है। लेकिन कन्वरलाल से टकराओगे तो मामला उल्टा होगा। टोपी वाला, तुम्हारा सर मेरे कदमों में होगा और तुम्हारी टोपी मेरे पास तोहफे के तौर पर पड़ी होगी। जस्टिन, जस्टिन कीप इट अप। ओके बॉस। कन्वरलाल, जस्टिन ने तुमको हमारे कदमों में फेंक दिया। Yeah.
वंडरफुल कन्वरलाल, वंडरफुल भाई। जितना सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा बहादुर निकले। ये दुश्मनी नहीं थी, तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान था। क्योंकि तुम जैसे बहादुर और ताकत और आदमी की हमें मुद्दतों से तलाश थी। आज से तुम हमारे दोस्त हो, हमारे साथी हो। मगर यार वो कुत्ता होता मत बोला करो प्लीज। जब तक दोस्ती रहेगी कुत्ता नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस दिन दोस्ती खत्म हो गई उस दिन शेर बनकर तुम्हारी हालत कुत्ते से भी बदतर कर दूंगा। ओके ओके। ये मेरे पार्टनर है रोनी और जोलो। यस सर। कन्वरलाल को ले जाओ, इसका हुलिया बदल कर इसे सूटेड बूटेड खूबसूरत नौजवान बनाकर हमारे सामने पेश करो। हाय। वेलकम मिस्टर महेश कुमार, वेलकम। वाह वाह वाह, क्या बात है। इस हुलिया में तो तुम्हें पुलिस भी नहीं पहचान सकती। यूं समझ लो कि आज से कन्वरलाल मर गया और महेश कुमार जिंदा हो गया। महेश कुमार, महेश कुमार तो तुम्हारे सामने पेश हो गया, लेकिन तुम महेश कुमार के सामने क्या पेश करोगे? बेटा कन्वरलाल, ये रीटा है। जब बिजनेस में कोई आदमी हमसे अड़ जाता है तो रीटा उसे मुस्कुराहट की निगाहों से देखती है और वो अड़ा हुआ आदमी पिघल जाता है। रीटा, ये महेश कुमार आज तुम्हारा खास मेहमान है, कोई कसर मत रखना वरना टोपी वाला की टोपी नीचे हो जाएगी।
पोस्ट। बेटी, सुशील का खत आया है क्या? हाँ माँ, लेकिन फिर धोखा दे दिया, पता नहीं लिखा। अब मैं जवाब कौन से पते पे लिखूं? बेटी, पुलिस ऑफिसर जब अपनी ड्यूटी पर जाता है तो किसी को अपना पता बताकर नहीं जाता। अपनी बीवी को भी नहीं? नहीं, बीवी को भी नहीं। पुलिस ऑफिसर अपनी जिंदगी में दो शादियां करता है। दो शादियां? हाँ, दो। एक अपनी बीवी के साथ, दूसरी अपने फर्ज के साथ। घर आता है तो बीवी का हो जाता है। कन्वर, ये सरकार हमारी दिन ब दिन दुश्मन होती जा रही है। मैं और मेरे साथी अंडरवर्ल्ड में जो कुछ करते हैं उसकी खबर किसी न किसी तरह सरकार के कानों तक पहुंच जाती है। किसी देशभक्त ने हमारे खिलाफ एक फाइल भी तैयार कर ली है और मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर खुद हमारे मामले में छानबीन करने वाले हैं। और अगर ये मामला प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया तो हम सबकी मौत आ गई समझ लो। इसलिए इससे पहले ये फाइल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, उस फाइल का हम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसी कहां है वो फाइल? सब कुछ लिखा उसके बारे में। वो फाइल हमारी जिंदगी का परवाना है। अगर हमारे पास आ गई तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर नहीं आई ये समझ लो कि मैं, मेरे साथी, यहां तक कि तुम एक एक करके सब फांसी के तख्ते पे लटका दिए जाएंगे। अगर वो फाइल आ गई तो मुझे क्या कीमत मिलेगी? 2 लाख। आपके और आपके तमाम साथियों की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए? सेठ, 2 लाख रुपए में तो रेस का लंगड़ा घोड़ा भी नहीं मिलता। खैर, तुम क्या मांगते हो? 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एडवांस कैश। ओके, मंजूर है। ये लो, देख लो, असली है, नकली नहीं। टोपी वाला, तुम तो चश्मा लगाकर असली और नकली की पहचान करते हो। यहां तो आंखें बंद करके बता सकते हैं कि सामने वाला असली है या नकली। सर, साथ में आदमी कितने चाहिए? कोई नहीं। कोई नहीं? हाँ, शेर बकरियों को साथ लेकर शिकार पर नहीं जाया करता। 4 दिन के अंदर या तो आपके सामने फाइल होगी या फिर कन्वरलाल की लाश। ऑल द बेस्ट। We'll be right back.
फायर ब्रिगेड, सेंट्रल रिसर्च बिल्डिंग में आग लग गई, जल्दी। कन्वर, वाह, टेरिफिक, एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल, कन्वरलाल यू आर ग्रेट। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी किन अल्फाज में तारीफ करूं, तुम्हारी शान में कसीदा लिखूं। आई डोंट नो व्हाट टू से व्हाट टू डू। तुमने हम सबको मौत के मुंह से बचा लिया कन्वरलाल। अरे तुम सबको शिकस्त दे दी, बेगरोनी मिलकर जो काम नहीं कर सके वो तुमने अकेले कर दिखाया। यू आर ग्रेट। ये जो है ना, ये वो सब तो ठीक है, मेरा बाकी का माल किधर है? माल एक नहीं दो दूंगा, एक नोटों की शक्ल में और दूसरा खूबसूरत होंठों की शक्ल में। मेरा दोस्त आजाद दुबान से खूबसूरत हसीना लाया, वो हम तुम्हें तोहफे में देते हैं। ले जाओ, ऐश करो। हाय पार्टनर्स। हाय पार्टनर, I'm back again. लगता है कोई मीटिंग चल रही है। ये कौन है? इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है। अभी बताता हूं, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर मिस्टर आजाद। और आजाद, ये वो बहादुर नौजवान है जिसने फाइल लाकर हमारी जिंदगी के डूबते हुए सूरज को दोबारा उगाया है। हेलो आजाद, हमने तुम्हारी हसीना इसे तोहफे में देने का वादा किया है। ओके, हैव अ। ये बात हुई ना, रोमियो उठाओ घूंघट और जलवा देखो। अरे जाओ यार। Thank you.
शोभा बहन, ये तूने क्या किया? मैं तेरी कुर्बानी का बदला लूंगा। जमीन पर बहे हुए तेरे खून के एक कतरे का बदला लूंगा। कुलवंत? यस, कुलवंत स्पीकिंग। मैं ऑपरेशन एंड बोल रहा हूँ। बच्चा मर गया, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। कोड एप्पल सेव। सेव? हाँ सेव मिल जाएंगे। ओके ओके। एक
गया लालम लाल लालम लाल सेब आ गया ले लो एक काबुली सेब लो। कैसे दिए सेब कैसे दिए? 100 रुपए एक पीस रुपए दर्जन। कितने ले गया? ए सेब वाला इधर आओ। अभी आओ थे रखो इधर। लो साहेब सेब तो अच्छे हैं। कितने के हैं? पूरी टोकरी ले लो साहेब 50 रुपए लेंगे। 50 रुपए? हाँ जो कुछ मंगाया था सब कुछ है ना इसमें? सब इसके अंदर। हाँ लाओ साहब पैसे दे दो। ये लो 50 रुपए। धन्यवाद साहब। ये सेब कहाँ रखे के हैं? सेब तो होटल में भी मिलते हैं फिर ये क्यों खरीदे? अरे अरे ये अपने लिए थोड़ी है जाने मन, ये तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मेरे लिए? हाँ तुम भी तो सेब जैसी हो ना, सोचा तोहफे में तुम्हें सेब ही दे दूं। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में इतना सारा प्यार है तो मुझे नजदीक क्यों नहीं आने देते? मेरे से दूर क्यों भागते हो? ये एक रास की बात है, फिर कभी बताऊंगा। वेटर। यस सर। इसे ले आओ चलें। मैं तुम्हारे साथ आऊं? अकेले में नहीं। अरे बाबा आराम से बैठकर दो बातें भी नहीं कर सकती क्या? हाय बेबी बातें नहीं, काम का वक्त हो रहा है, मेहमान लोग आ रहे हैं, चलो कम ऑन। सेब खाने थे तो होटल से मंगवा लेते, बाहर से क्यों लाए? आजाद मुझे बचपन से काबली सेब खाने का बड़ा शौक है। हाँ? ला, तुम भी लो।
साहब फिर भी आइए, टोपी वाला ने आपको फौरन बुलाया। हरामी कुत्ते मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मुझे शक हुआ इसलिए तलाश लेने के लिए आया था। कन्वर लाल पर शक करने वाला इस दुनिया में नहीं रहता। आज कान खोलकर सुन ले, दोबारा कभी इस कमरे के सामने से भी गुजरो ना तो तेरे टुकड़े कर दूंगा। नाउ गेट आउट। टुकड़े करेगा।
माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? बोले ना। हेलो कुलवंत भाई साहब। हाँ भाभी बोलिए। माँ जी सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं। क्या? हाँ वो बेहोश पड़ी हैं। आप जल्दी से किसी डॉक्टर को लेकर आ जाइए। अच्छा मैं अभी आया। प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे आप डॉक्टर। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब जरा जल्दी देखिए ना। क्या बात है डॉक्टर साहब? हॉस्पिटल लेकर चलना होगा? नहीं कुलवंत साहब, बहुत देर हो चुकी। नहीं मत करो ऐसी अशुभ बातें। डॉक्टर साहब कोशिश तो करो, मेरी माँ जी ठीक हो जाएंगी। कोशिश तो करो प्लीज डॉक्टर, प्लीज। क्या कोशिश करूं बहन जी, कोशिश तो जिंदों के लिए की जाती है, मगर तुम्हारी माँ जी तो। नहीं तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर, मेरी माँ जी नहीं मर सकती। अभी अभी कुछ देर पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी माँ जी ने मुझे थपथपाकर सुलाया था, अब क्या मुझे सुलाकर खुद हमेशा के लिए सो गई? नहीं नहीं डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं माँ जी अपनी बहू को इतनी सख्त सजा मत दो। अभी तो मुझसे अपना खिलौना मांग रही थी, अपने पोते को अपनी गोद में खिलाने के सपने देख रही थी। एक बार माँ जी एक बार तो अपने सपने को पूरा तो हो जाने दो। इतनी जल्दी मत करो माँ जी, इतनी जल्दी मत करो। बस करो भाभी, बस करो, मत रो। भाई साहब अब तो उनको बुला लो और उनसे कहो जिस माँ के पैर छूकर वो काम पर जाया करते थे उन्हें आखिरी बार छू ले, वो पैर हमेशा के लिए इस घर से जा रहे हैं। आप बुलाइए ना उनको। आप खामोश क्यों हैं? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अभी मैं मजबूर हूँ। अरे ये कैसी नौकरी है जो देश का बोझ कंधे पर उठाने को कहती है और माँ की आरती को कंधा देने से मना करती है? ये कैसा फर्ज है जो बेटे को माँ के फर्ज से दूर कर रहा है? देखो भाई साहब तुम नहीं बुला सकते तो मुझे पता बता दो, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। मेरे पति को एक बार बुला लो, एक बार। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं ऐसा मत कहिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं अभी जाकर अपने ऑफिसर से कहता हूँ कि वो सुशील को फौरन बुला दे। हाँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ भाभी। हाँ। आप हौसला रखिए। राधा जी तुम यही रहो, भाभी का ख्याल रखना। जी अच्छा। सर कुलवंत इस वक्त कैसे आना होगा? बहुत बुरी खबर है सर, सुशील की माँ। क्या हुआ? वो गुजर गई। Oh my God. सर भाभी का रो रोकर बुरा हाल है, उनकी ख्वाहिश है कि किसी भी हालत में सुशील को फौरन घर बुलाया जाए। बेईमानी का धंधा भी एकदम ईमानदारी से करते हैं। आजाद के पंजों से बचना इतना आसान नहीं। We'll be right back.
अपने पे काबू रखो बेटी, हम सुशील को खबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इंसानियत का तकाजा तो यही है कि सुशील को उसकी मां के बारे में फौरन खबर कर दी जाए। कुलवंत, तुम तो जानते हो सुशील कितना बड़ा काम कर रहा है इस डिपार्टमेंट पर, इस देश पर कितना बड़ा एहसान कर रहा है। जो काम आज तक कोई अफसर नहीं कर पाया, सुशील वो काम कर रहा है। इस देश की जड़ों को जो उनकी दीमक चाट रही है, सुशील उनको खत्म करने पर लगा हुआ है। अगर ऐसे में उसे यह पता चला कि उसकी मां, जिसे वो बेहद प्यार करता था, इस दुनिया में नहीं रही, तो शायद शायद वो इस काम को अधूरा छोड़ देगा। हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, और ये मुजरिम, ये गुनहगार लोग इस देश को खोखला करके छोड़ देंगे। हेलो, कुलवंत स्पीकिंग, ऑपरेशन एंड। कुलवंत, ऑपरेशन एंड स्पीकिंग। यस मां मर गई। ओवर। सर, सुशील ने खबर दी है कि उसने उस गैंग के किसी खास आदमी को पकड़ा है। वेरी गुड। और मुझे अभी बुलाया है। देन हरी अप। लेकिन कुलवंत, सुशील को किसी भी हालत में उसकी मां के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन सर, अगर वो दैट्स माय ऑर्डर। ओके सर। कुलवंत, इसका नाम आजाद है, ये इस गैंग का खास मोरा है। जितने भी प्लान बनते हैं और पास होते हैं, उसमें इसका भी हाथ होता है। इसे संभाल कर ले जाओ, चलो ले जाओ। सुशील, क्या वो डोंट स्टैंड नॉट, टेक हिम, हरी अप, कम ऑन, टेक हिम। अरे हट। ओह यू, कम ऑन, गेट इन। मिस्टर आजाद, बहुत दिनों तक हराम की रोटी खा ली, अब बाकी जिंदगी इन सलाखों के पीछे बैठकर जेल की रोटी खाना। इस गलत फहमी मत रहना ऑफिसर, तुम चाहो इस दरवाजे पर हजारों ताले लगवा दो, लेकिन मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूं, उनके पास हर ताले की चाबी है। तुम देखते रह जाओगे और मैं यहां से फूर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सलाखों के पीछे रहने की आदत नहीं है। यू शट अप। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। एक बात पर गौर किया कन्वर लाल तुमने, हमारे देश के लोग एक दूसरे की मौत पर बहुत दुख मनाते हैं। अब ये बुढ़िया को देखो, किस काम की रही होगी। अच्छा हुआ मर गई, बिचारी अपने घर वालों पर बोझ ही बनी होगी। लेकिन इन सब को देखो, कितने उदास चले जा रहे हैं, जैसे सचमुच इन्हीं की मां मर गई हो। ओह कम ऑन यार, कितना लंबा जलूस है। अरे यार, पार्टी में जाने में देर हो रही है, हॉर्न बजाओ, चलो। माँ, इतना बदनसीब है तेरा ये बेटा, मरते समय तेरे मुंह में पानी का कतरा भी नहीं डाल सका, तेरी चिता को आग भी नहीं दे सका। तूने मुझे जन्म दिया, जिंदगी दी, और मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सका माँ, कुछ भी नहीं दे सका। एक आशीर्वाद और दे दे, जिस काम के लिए मैं निकला उसमें मुझे सफलता मिले। रोनी कहाँ है? आजाद कहाँ चला गया? रोनी मेहमानों के लिए इंतजाम कर रहा है, आजाद गिरफ्तार हो। मेरा मतलब है कि किसी हसीना की बाहों में गिरफ्तार हो गया होगा। साला अक्सर हसीन बाहों की हथकड़ियों में गिरफ्तार रहता है ना।
गुड इवनिंग। ये लोग इन मुजरिमों की महफिल में क्या कर रहे हैं? वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। खुश आमदीद। थैंक यू। आइए सर। यही वो कन्वरलाल जिसने एक ही रात में सीबीआई के ऑफिस से वो फाइल लाई जो हम लोगों के खिलाफ तैयार की गई थी। मिस्टर कन्वरलाल, वेरी गुड, हमें तुम्हारी बहादुरी पे नाज। आप सज्जन हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, आप हमारी बिजनेस के ढाल हैं और आप हमारी कश्ती के पतवार हैं। यही है वो महान लोग जिनकी वजह से हमारे गरीबों की दाल रोटी चलती है। आप महान लोगों के दर्शन हो गए, ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन हो गए। टोपी वाला, यस सर, आज ये सूखे सूखे करता हुए क्या? अरे नहीं सर, टोपी वाला के यहाँ से कभी कोई सूखा लौटा है? आज तो शराब में नहाइए और हुस्न को साबुन मला के जिस्म पे लगाइए। अफसाने हैं मेरे सभी।
क्या हाल है इंस्पेक्टर सुशील कुमार? तुम समझे, आजाद तो गया, अब क्या लौट कर आएगा, है ना? इंस्पेक्टर, जितने लंबे हाथ तुम्हारे कानून के हैं, उससे भी बहुत लंबे हाथ हम गैर कानूनी लोगों के हैं। चलो वो कैमरा नेगेटिव्स मेरे हवाले कर दो। चलो उठो, बी ए स्वीट बॉय ना। Hey,
भाभी कुलवंत। आइए। नमस्ते भाभी। हाँ। नमस्ते भाभी जी। आइए। बैठे। अब तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक ही है। आज सुबह डॉक्टर आया था? हाँ भाई साहब, उनका कुछ पता चला? पता चल जाएगा भाभी, जरूर पता चल जाएगा। देखिए देखिए भाभी, आप आपसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, आप ऐसा मत सोचा कीजिए। ऐसी हालत में तो आपको खुश रहना चाहिए, दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। खुश रहना चाहिए, कैसे खुश रहूं? माँ जी थी वो भी नहीं रही, पति घर में नहीं, और आप कहते हैं मैं खुश रहूं। कोई बताता ही नहीं कि वो कहाँ है, किस जगह है, किस हाल में है। ऐसी नफरत की निगाहों से क्या देख रहे हो इंस्पेक्टर? मैं जेल से लौट आया, इस पर तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? जानते मैं जेल से कैसे बाहर आया? जिस ऑफिसर के हुक्म से तुमने मुझे जेल के अंदर बंद करवाया, उसी ऑफिसर ने बड़ी शराफत से जेल का ताला खोलकर मुझसे माफी मांगकर मुझको आजाद कर दिया। मैं भागकर नहीं आया हूं। अब बता, वो कैमरा, वो नेगेटिव्स कहां है? कहां बोल? नहीं, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर, ये पुलिस वालों का टॉर्चर चैम्बर नहीं है, जहां तुम मुजरिम की ठीक से जुबान भी नहीं खुलवा सकते। ये उससे हजार गुना सख्त जगह है। ये टोपी वाला का टॉर्चर चैम्बर है, यहाँ के जुल्म से मुर्दे भी चीख उठते हैं, समझे? वो मुर्दे होंगे जो तुम्हारे जुल्म के आगे चीख उठते होंगे, उनकी आत्माएं मर चुकी होंगी, मगर मैंने उस माँ का दूध पिया है जिसने कहा था शरीर भले ही मर जाए मगर आत्मा को कभी मरने मत देना। इंस्पेक्टर सुशील कुमार, तुम्हारे जुल्म के आगे अपने घुटने कभी नहीं टेकेगा टोपी वाला। मेरा जुल्म सबसे पहले तेरे घुटने ही तोड़ देगा, फिर देखता हूं तू कैसे नहीं बताएगा। देख देख लो, आजमा कर इस साले के नाखून उखाड़ लो। ये आखिरी मौका है, जल्दी बता दो कि वो कैमरा और नेगेटिव कहां रखे हैं। कभी नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अब बोला है? स्पीक अप। Thank you.
सुअर का बच्चा बहुत मजबूत दिल इंसान है। ये हरामजादा सच्चा देशभक्त है। वो कहते हैं ना कि जान दे देंगे मगर देश की आन नहीं देंगे उन लोगों में से है। इसलिए इस पे वक्त बर्बाद मत करो, मार डालो, किल हिम। नहीं पार्टनर, नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मेरे पास एक हथियार है जो इसकी जबान बड़ी आसानी से खोल देगा। ये लीजिए। किसका बिल बना दीजिए। कहाँ जाएंगे आप? रिक्शापुर चलो। बहुत अच्छे, बहुत जल्द हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। सुशील कुमार, तुम्हारे इस पति ने एक नाटक खेला, दुनिया को दिखाने के लिए लंदन चला गया, मगर असलियत में नहीं गया, यही रहा, जेल से भागा हुआ कैदी बनकर हमसे मिल गया और हमारे राज कानून तक पहुंचाने लगा। मगर जालिमों, तुम लोग इंसान हो, दहशी हो, दरिंदे हो, किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक करते हैं, मार मार के ये बुरा हाल करते हैं। अरे अभी तो हमने शुरुआत की है, हम तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करने वाले हैं। नहीं नहीं, तुम मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकते। अब आई ना मतलब की बात पर। देखो ये तुम्हारा पति है, तुम्हारी मांग का सिंदूर है, तुम्हारा भगवान है। अगर ये जिंदा है तो तुम जिंदा हो, और अगर ये मर गया तो तुम विधवा हो। तुम्हारे इस भगवान ने हमारी कुछ तस्वीरें, कुछ टेप अपने पास छुपा रखी है। इससे प्रार्थना करो कि वो तस्वीरें, वो टेप हमें प्रसाद में लौटा दे, हम इसे तुमको लौटा देंगे, फिर आराम से घर चले जाना। सुशील, मत सहो ये जुल्म, मत उजाड़ो मेरा सुहाग, बता दो इनको कहाँ छुपा रखे हैं वो सब, बता दो सुशील। सुनो इंस्पेक्टर, तुम्हारी बीवी तुमसे सुहाग की भीख मांग रही है। Come on, speak up. Inspector, रहम करो बेचारी पर। Talk. सुशील, बता दो। Come on. Talk. Hey. बोलो। सुशील, talk, speak up. बता दो सुशील, सुशील बता दो, भगवान के लिए बता दो। शैतानों की इस बस्ती में हंसता मत दो सुनीता, तुम मुझे अपने सुहाग का वास्ता दे रही हो। इन लोगों ने इस देश का सुहाग उजाड़ दिया है, गुनाहों और पापों के बीज बोकर
इस पवित्र धरती के सीने पर जुर्म की खेती लगा रहे हैं ये लोग, और इनके तमाम गुनाहों के सबूत मेरे पास है। ये लोग इस देश, इस जमीन, इस सोसाइटी के लिए नासूर हैं, कैंसर है, और उस कैंसर का इलाज मेरे पास है। अगर सुशील कुमार मर भी गया तो कोई परवाह नहीं, इस मुल्क का गरीब, इसके लोग, ये देश तो जिंदा रहेगा। अगर सुशील ने अपनी जिंदगी की परवाह की तो ये देश मर जाएगा। बोलो सुनीता, तुम्हें अपने पति की जिंदगी चाहिए या इस देश की जिंदगी चाहिए? तुम अपना सुहाग जिंदा देखना चाहती हो या इस देश का सुहाग जिंदा देखना चाहती हो? बोलो सुनीता, बोलो बोलो। अरे, जिस औरत का तुम जैसा पति हो वो कभी विधवा हो ही नहीं सकती। तुम जैसे लोग तो अमर पैदा होते हैं, और जो अमर पैदा होते हैं वो कभी मरते नहीं, और जो मरते नहीं उनकी बीवियां कभी विधवा हो ही नहीं सकती। सुशील, मुझे तो नाज है अपनी किस्मत पर कि मैं ऐसे महान इंसान की पत्नी हूं। सुशील, कभी मत बताना, कभी मत लौटाना वो सबूत। इनको, इन लोगों को इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। शाबाश सुनीता, शाबाश। तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे जख्मों का दर्द दूर कर दिया। अरे, अब ये मुझे अगर जिंदा आग में फेंक दे तो मैं हंसते हंसते जल जाऊंगा, आह तक नहीं करूंगा। सुनीता, देखो बहादुर इंस्पेक्टर, हमारे पास जलाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो लोग आग से नहीं जलते उन्हें हम फूलों से जला दिया करते हैं। जैसे एक फूल इस वक्त तुम्हारी बीवी की कोख में उग रहा है, हमारा एक ही वार उस फूल को, जो अभी ठीक से कली भी नहीं बना है, जलाकर खाक कर देगा। तुम्हारे घर का चिराग बुझ जाएगा, तुम्हारी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। इसलिए उस चिराग के लिए, उस फूल के लिए जिसने ठीक से अभी दुनिया भी नहीं देखी है, मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ वो कैसेट और वो फोटो मांग रहा हूं। कभी नहीं, मैं अपने सुहाग पर अपनी औलाद को कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने पति का सर तुम शैतानों के आगे झुकने नहीं दूंगी। नहीं सुशील, कभी मत देना वो सबूत, कभी मत देना। आजाद, मैं देखता हूं इसे। अपने पति जैसे पूछो, कहां से वो सारे सबूत? पूछो से। नहीं पूछूंगी। नहीं पूछूंगी। अपने से पूछो, वो सबूत कहाँ रखे हैं? नहीं पूछूंगी, कभी नहीं पूछूंगी। पूछो सुनीता। नहीं बोलेगी हैं? और सुनीता, देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूं, पूछो अपने पति से। कभी नहीं पूछूंगी। इंस्पेक्टर, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, वरना समझ ले कि तेरी बीवी की कोख से तेरा बच्चा खून बनकर यही जमीन पर बह जाएगा। कमीने! Come on! इंस्पेक्टर, दिस इज योर लास्ट चांस। कभी नहीं। नहीं।
मुझे माफ कर दो सीता, मुझे माफ कर दो। नहीं सुशील, नहीं, रोना नहीं सुशील। कहीं कहीं लोग ये न कहें कि सुनीता का पति बुजदिल था, बीवी की तकलीफ पर सह न सका, औलाद को देश के नाम पे कुर्बान करते वक्त रो पड़ा। सुशील, बहादुर लोग रोना नहीं करते। नहीं सुशील, सुहागनें तो पति के चरणों की धूल से मांग सजाती हैं। अरे मैं तो तकदीर वाली हूं, मैंने अपने पति के चरणों का खून मांग में लगाकर उसे सजा लिया है। अब तो मैं सदा के लिए सुहागन हो गई हूं। स्वर्ग के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। वो हमारा बच्चा वहां खड़ा है, वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। वो बाहें फैलाकर मुझे बुला रहा है। सुशील, मैं उसके पास जाकर बताऊंगी कि उसका बाप कितना महान था। सुशील, मगर इन लोगों को कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना सुशील। इन लोगों को इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। नहीं सुनीता, क्या सोच रही हो रीटा? आज अगर तुमने सुशील को बचा लिया तो सिर्फ उसकी जिंदगी को ही नहीं बल्कि अपने देश को भी एक नई जिंदगी दे सकोगी। कर दिया तो कानून उन लोगों को कभी नहीं पकड़ पाएगा। तुम जाओ। आपने आजाद को जेल से छोड़कर बहुत बुरा किया। मेरे दोस्त के लिए मौत के दरवाजे खोल दिए हैं आपने,
उन लोगों को जब पता चलेगा कि सुशील उनका दुश्मन है, पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उसका क्या अंजाम करेंगे आप जानते हैं? कभी सोचा है आपने? I'm very sorry, कुलवंत. मैं जानता हूं कुलवंत कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन क्या करता, मैं मजबूर था. मुझसे ऊपर भी तो बहुत से लोग हैं, वो लोग जिन्हें जनता चुनती है, नेता बनाती है, कुर्सी देती है. उसी कुर्सी की धौंस देकर मुझे आजाद को रिहा करने पर मजबूर कर दिया गया. तुम्हें कुर्सी की धौंस दी गई और तुम मजबूर हो गए, क्योंकि तुम्हें अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी. हा? अपनी नौकरी, अपनी पोजीशन, अपनी जिंदगी, अपने बाल बच्चों की जिंदगी खतरे में नजर आने लगी. और तुमने तुमने आजाद को रिहा कर दिया. हा? याद है वो दिन जिस रोज आपने पहली बार मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था, वहां खड़े होकर कहा था, सुशील कुमार तुम्हारी वर्दी तुमसे कुर्बानी मांग रही है, इस देश, इस मुल्क, इस धरती की वफादारी का एहसास दिलाया था मुझको, इसकी जड़ों को दीमक की तरह चाटने वाले मुजरिमों को खत्म करने के लिए उस खतरनाक दुनिया में भेजा मुझको, जहां जिंदगी की हर सांस मौत के साए में लेनी पड़ती है. याद है वो दिन? अरे मैं तो अपनी वर्दी की इज्जत रखने के लिए चला गया, मगर आप तो मुझसे बहुत ऊंची वर्दी पहने हुए हैं. आपने अपनी वर्दी को बेइज्जत कर दिया, चुन के रंग में रंग डाला उसे, उसके फीते, उसके मेडल लोच कर उस पर गद्दारी और धोखेबाजी के मेडल लगा दिए आपने. आपने ये टोपी वाला, ये आजाद, उसके साथी, इन्होंने मेरी इज्जतदार बहन को बाजारी औरत बना दिया. मेरी बहन ने मेरी आंखों के सामने खुदकुशी कर ली, फिर मैं खामोश रहा, फर्ज की वफादारी के लिए खामोश रहा, अंदर ही अंदर रोता रहा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रखी. मेरे सामने से मेरी मां की अर्थी गुजर रही थी, गैर लोग उसे उठा कर ले जा रहे थे, और मैं दूर खड़ा देखता रहा, क्योंकि मेरे कंधों पर फर्ज का बोझ था ना, इसलिए मैंने मेरी मां की अर्थी को कंधा नहीं दिया. और सुनिए, मेरी बीवी को मेरी आंखों के सामने बेइज्जत किया गया, मारा गया. मेरी होने वाली औलाद को पैदा होने से पहले मेरी बीवी की कोख में ठोकरे मार मार के खत्म कर दिया गया. मेरा सारा घर तबाह हो गया, मेरी सारी दुनिया उजड़ गई, कोई नहीं बचा. इसके जिम्मेदार मेरी मां, मेरी बहन, मेरे बच्चे के कातिल आप हैं. आपने खून किया है उनका, आप कातिल हैं, आपके हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं. अगर अब भी आपके दिल में अपनी वर्दी की इज्जत है, सच्चाई है, वफादारी है, तो मैं अपनी सारी कुर्बानियां सहने को तैयार हूं, अपने दिल के सारे जख्म भुला दूंगा. ये लीजिए, ये है वो सबूत, उन लोगों के काले करतूत ले लीजिए और गिरफ्तार कर लीजिए उन शैतानों को. प्लीज सर, हेलो, मैं मिनिस्टर सुशील बोल रहा हूँ. जी यस सर. इंस्पेक्टर सुशील कुमार को फौरन गिरफ्तार. जी ये मेरा पर्सनल ऑर्डर है. Thank you.
सर आपने ये क्या किया? ये आपने क्या किया सर? तुम ठीक कहते हो, मैं गुनहगार हूं, अपने फर्ज का कदर, मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे बीवी टेलीफोन पर हुक्म मिला कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लू, नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम जैसे सच्चे वतन परस्त को गिरफ्तार करके देशद्रोहियों के हवाले कर दू, नहीं मजरूम तुम ये नापाक शरीर को जिंदगी से आजाद करके इस देश को जुल्म से आजाद करवाने के लिए आया हूं। तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें तुम्हें फांसी हो जाएगी। कितनी बार फांसी होगी? सिर्फ एक बार ना? इतने बड़े बड़े राक्षसों को अगर मारकर फांसी पर भी चढ़ गया ना तो मंजूर है, ये तो बहुत सस्ता सौदा है।
अब इसकी आवाज कौन सुनेगा? ये फैसला अब आप कीजिए, ये फैसला अब आप कीजिए, ये फैसला अब आप कीजिए।